इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इंडिया के सबसे बड़े मूर्ति मार्केट में, जहां पर मार्बल की मूर्तियां बनाई जाती हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई की जाती हैं मंदिरों के लिए। ये मूर्तियां मकराना मार्बल और इटालियन मार्बल में होती हैं। छोटे बड़े सभी साइजेस में यहां मूर्तियां अवेलेबल रहती हैं। आप अपने घर के लिए भी छोटी मूर्तियां परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्बल के डेकोरेटिव आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए, और मार्बल के छोटे मंदिर भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए और ऑफिसेस के लिए। इसके अलावा किचन के कुछ आइटम्स, जो मार्बल के आइटम्स भी आप यहाँ पे से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे यहाँ की कुछ शॉप्स के लेटेस्ट कलेक्शन और उनकी मूर्तियों के प्राइसेस भी हम आपको बताएंगे। और साथ में हम देखेंगे कि इन मूर्तियों पर गोल्डन वर्क का काम और पेंटिंग का काम किस तरह से किया जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम पहुँच चुके हैं जयपुर, मेरे दादा दादी के घर, और अभी हम जा रहे हैं खजाने वालों के मार्केट, मूर्तियों के मार्केट। तो उस मार्केट का नाम है खजाने वाला मार्केट, खजाने वालों का रास्ता। मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ, उसमें मुझे नाम ढंग से नहीं पता। हाँ, भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी मूर्तियां हैं। तो अभी तो हम कार में, और अभी हम जा रहे हैं वहीं पर। ये देखिए सामने झंडा कैसे लगा रखा है क्रेन के ऊपर। ये जानबूझ से लगाई है ऐसे क्रेन पे झंडा, मैंने पहले। आज है, आज रिपब्लिक डे भी है ना। हाँ, और बसंत पंचमी भी है। आज बसंत पंचमी भी है, तो मार्केट में रश बहुत है। देखो जयपुर बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अभी। ये देखो मान्या, ये वाले इलेक्सा ने कल बिल्कुल सही टाइम टेम्परेचर बताया था, 23 डिग्री, और जयपुर में आज 22 23। ये रामान्या देखो, मार्बल का पहाड़, यहाँ से मार्बल की कटिंग होती है। जो मार्बल है ना, वाइट मार्बल बहुत सारा है यहाँ से, मार्बल ऑल ओवर इंडिया, फिर ये मार्बल सबकी सप्लाई होती है। मार्बल नेचुरल होता है, अरावली हिल्स में मार्बल मिलते हैं ना, अरावली रेंज है यहाँ पे पूरी, तो यहाँ पे मार्बल मिलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर के फेमस मूर्ति मार्केट, जिसका नाम है खजाने वालों का रास्ता। और यह मार्केट चांदपोल बाज़ार के पास ही है, और यहां से ऑल ओवर वर्ल्ड मार्बल की मूर्तियों की सप्लाई की जाती है। यहां पे मार्बल की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन पे पेंट किया जाता है। वैसे तो ये मार्केट बहुत पुराना है, और यहाँ पे पतली छोटी छोटी गलियाँ हैं, और उसमें दोनों तरफ छोटी बड़ी सभी तरह की शॉप्स हैं, जहाँ पर हर तरह की मूर्तियाँ अवेलेबल रहती हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में। हमें अपने घर के मंदिर के लिए कुछ छोटी छोटी 7 से 8 इंच तक की मूर्तियां लेनी थी मार्बल की, और ये हम इस समय हैं गौरव मूर्ति श्रृंगार शॉप में, जहाँ पे हमें मूर्तियां बहुत पसंद आई। यहाँ पे छोटी बड़ी सभी तरह की मूर्तियां मिल जाती हैं, और छोटी मूर्तियां आप पसंद करके उसमें अपनी पसंद से पेंट भी करवा सकते हैं, या फिर आप पेंटेड मूर्तियाँ भी यहाँ से ले सकते हैं। बड़ी बड़ी हैं, मतलब छोटी मूर्तियां चाहिए घर के लिए। ये बहुत बड़ी है, ये हनुमान जी की देखो कितनी खूबसूरत है। वाह, ये ना, ये ऐसे उड़ते हुए हनुमान जी, ये वाली हमारे पास है, ये सुंदर। मम्मा ये देखिए, आर्मी सोल्जर, और नीचे एक लेडी की भी है। ये ना वो लोग जो जैसे अपने गांव में किसी की स्मारक बनवाते हैं ना, मेमोरियल्स, मेमोरियल्स बनाने के लिए ये यहाँ से स्टैचूज जाती हैं। किसी का स्मारक, उनको फोटो दे देते हैं ये, और जिसका फोटो दे देते हैं वैसी सेम मूर्ति बना देते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति है किसी आर्मी पर्सन की। हाँ, ये ऑर्डर करवाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी गंगा जी की मूर्ति है, बहुत। और ये गणेश जी की कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। कितनी सुंदर मूर्ति है, वाओ मम्मा। ये हाँ बहुत, ये क्या चीज़ है भैया, गोल्डन, ये पेंट होता है, ये पेंटिंग होता है, ये क्या है कि बर्क होते हैं ना, ये वो बर्क लगते हैं, बर्क। हाँ अच्छा, ये पेंटर लोग क्या है बर्क लगाते हैं। हाँ, हम इनको तैयार करते हैं ये पेंटर लोग, फिर बर्क इसमें लगाते हैं। और ये मार्बल कैसा, किस चीज़ का है, मकराना है, मकराना है। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है, कितनी मनमोहक है, बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है सारी मूर्तियां अपने घर ले जाओ, ऐसा लग रहा है जैसे बोल पड़ेंगी अभी। ये क्या है, आपसे पॉलिश होती है, फिर बिल्कुल चमक आ रही है। ये राधा कृष्ण जी, कुछ अलग अलग क्यों है, अभी वो काम चल रहा है ना इनका। ओह सुंदर घर के अंदर रखने के लिए।
ये किस रेंज में है? कौन सी वाली? ये 550। और ये वाली? ये 1200। ऐसा क्यों भैया डिफरेंस? काम का फर्क है। फिनिशिंग ये आएगी? इससे ज्यादा नहीं होती। छोटे में हाथ नहीं चलता ना, जगह नहीं होती इसलिए। दुर्गा माता जी की ये कितने इंच की है? 6 इंच की। ये वाली 6 इंच की है। ये ज्यादा अच्छी लग रही है ना? मम्मी से पूछो कितने इंच तक की रख सकते हैं घर में। ये किस रेंज में? कौन सी? दुर्गा माता 1400। दुर्गा माता जी की 1400 की। ये गणेश जी की ये वाली? और लक्ष्मी जी की? और ये चाहिए आपको? ये लक्ष्मी की और राधा की, वो भी दिखा दे। एक साथ आएगा? हाँ, एक साथ वाला। मुद्रा वाले ये कितने की है? मुद्रा वाले हमारी 2000 रुपए की है। 1200 वो 1200 ये अच्छी लग रही है ना? ये सुंदर मनमोहक लग रही है। ये वाला पेंट होगा इसी तरह से? इसमें तो अच्छा है। नहीं इधर नहीं कराए तो इधर लगा। हां, तब तक जाओगे आज भी नहीं पाएंगे। ये मानी एलिफेंट डेकोरेटिव पीछे वो दिख रहे हैं आपको? ये देखो ऊपर ऊपर शेल्फ में देखो इधर डेकोरेटिव मूर्ति को उठाना और ये उठाओ। बहुत सुंदर है। सुंदर मतलब वो 1 किलो है तो ये 10 किलो है। बहुत इतना इतना फर्क है। ये 10 किलो की है? ये मतलब एवरेज। अच्छा मतलब अच्छा 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 अरे बाबा है बहुत सुंदर। बहुत हैवी है तो 9000 की है। और ये सब वही है मतलब कॉस्टली रेंज में है ना? ये वाली जो है छोटी वो इटालियन मार्बल के हैं। ये सब मकराना मार्बल के हैं। अच्छा मकराना। हाँ अरे ये बता रहा है 5 किलो है। फिनिशिंग में भी फर्क लग रहा है बहुत ज़्यादा। पत्थर वो थोड़ा हैवी है। ये कितनी सुंदर है दुर्गा माता जी की देखना। ये सुंदर मनमोहक टेम्पल्स के लिए भी लेके जाते हैं ना लोग यहाँ से। बोल देंगे भैया को गोल्डन कलर थोड़ा ज़्यादा करवाएंगे। यहाँ पे ये कुछ मूर्तियाँ हमें पसंद आई हैं इटालियन मार्बल पे, जिनका साइज़ है 7 से 8 इंच और इनका प्राइस है 1400 से 2000 रुपये, जिनको ये बाद में पेंट भी करा के दे देते हैं। और फिर यहाँ माहेश्वरी मूर्ति भंडार में हम पहुँचे, जहाँ पे हमें पसंद आई एक ही लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये भी इटालियन मार्बल की मूर्ति है जिसका प्राइस है 1400 रुपये। इस शॉप से मूर्तियां पसंद करने के बाद फिर हम उन मूर्तियों को पेंटिंग के लिए लेके गए उनकी वर्कशॉप पर। यहाँ पर एक 4.5 फीट की श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर घिसाई का काम हो रहा था। ये किसी का ऑर्डर वो रेडी कर रहे हैं। और मूर्तियों पर घिसाई का काम हाथ से ही किया जाता है। ये मकराना मार्बल की मूर्ति है जिसका प्राइस है 11 लाख रुपये। अब हमारी मूर्तियों में भी पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। और मूर्तियों को पेंट करने से पहले उनकी घिसाई की जाती है, उनको इवन बनाया जाता है रेक मार्क से। और फिर उसके बाद सबसे पहले आइस पेंट की जाती हैं और फिर डिटेल्स ऐड करने के लिए गोल्डन वर्क लगाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी ज्वेलरी होती है या कपड़ों के बॉर्डर्स होते हैं उसको डिटेलिंग को उभारने के लिए वहाँ पर गोल्डन वर्क लगाया जाता है। और फिर उसके बाद उसमें कलर्स किए जाते हैं। और मूर्तियों में आप अपनी पसंद के हिसाब से ही कलर्स चूज़ कर सकते हैं। आप भी देखिए पेंटिंग का पूरा प्रोसेस हमारे साथ। ब्यूटीफुल है।
और ये हमारी लक्ष्मी जी की मूर्ति पेंट होके बिल्कुल रेडी हो गई है। फिर इसको फिनिशिंग टच देने के लिए उस पर किया जाता है स्प्रे वॉर्निश, जिससे मूर्तियों में चमक आती है और उनके वो वाटरप्रूफ भी हो जाती हैं। जब भी आप अपनी मार्बल की मूर्तियों के लिए कलर चूज़ करें तो ज़्यादा डार्क कलर्स चूज़ ना करें, लाइट पेस्टल कलर्स ही उनके लिए चूज़ करें, जिससे मूर्तियों में जो है मार्बल का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, उभर के आता है। ज़्यादा डार्क कलर्स मार्बल की मूर्तियों को थोड़ा प्लास्टिकी सा या पीओपी वाला अपीरियंस दे देते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति जो है ये 8 इंच की मूर्ति है मार्बल की, इटालियन मार्बल की, जो 1400 रुपये की हमने परचेज़ की है, और इस पर भी हमने बिल्कुल लाइट लाइट से कलर्स ही करवाए हैं। और ये सभी मूर्तियाँ जो हैं 1400 रुपये की हैं, और जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है ये 2100 रुपये की है, जोड़े में हैं सभी, ये 7-8 इंच तक की ही मूर्तियाँ हैं। और जब हम इन मूर्तियों को लेके घर पे पहुँचे तो सबको बहुत पसंद आई हैं मूर्तियाँ। और जब भी हम इन मूर्तियों को अपने मंदिर में अरेंज करेंगे, अपने मंदिर का मेकओवर का वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।